चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करते हैं। इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी दोस्तों आपके साथ हादसा हो सकता है। वैसे दोस्तों इसके काटने पर कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से फटाफट के अंदाज में दोस्तों आपको दिखाते हैं हमारे भारत का सबसे बेहतरीन सांप, सबसे बिग साइज का जहरीला वेनमस स्नेक दोस्तों, जिसे हम कहते हैं किंग कोबरा। वेनमस स्नेक दोस्तों जो एक सांपों का राजा है, जिसे नागराज भी कहते हैं, बहुत सी सारी खूबियों से लवरेज है। तो दोस्तों ये है उड़ीसा की पवन सरजमी और ये बहुत ही घना सा जंगल है। चलिए दोस्तों इसे हम रिलीज कर देते हैं। इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा। ये दोस्तों हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा ये सांप मिलता है और इसका जो भोजन है दोस्तों आप देख इसे समझ सकते हैं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ये इंडियन रेड स्नेक को ही अपना निवाला बनाता है। और एक चीज ये होती दोस्तों, जैसे ये पानी जहाँ पर रहता है, झील झरना तालाब पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहीं पर ये सांप ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है दोस्तों। इसकी टोटल लंबाई दोस्तों अभी तक हमारे भारत में जहाँ तक आकी गई है लगभग 20 से 21 फुट के आसपास ये मिलता है। बहुत कम ये रेयर केस में मिलता है इतनी लंबाई, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसकी 15 से 16 फिट के आसपास मिला है अभी तक। दोस्तों मेरी नज़रों में यह एक ऐसा सांप है, अगर एक बार ये रास्ते में खड़ा हो जाएगा तो हाथी जैसे विशाल पशु भी अपने रास्ते को बदल देते हैं, वो भी सामने नहीं आता। ये भागता बहुत तेजी से है, इसलिए ये दौड़ करके इंडियन रेड स्नेक को भी अपना भोजन बना सकता है और बनाता भी है। चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करते हैं। इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी दोस्तों आपके साथ हादसा हो सकता है। वैसे दोस्तों इसके काटने पर कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। दोस्तों इस वीडियो को आप भी थोड़ा सा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ऐसे बेजवानों को बचाने में आप हमारी मदद कीजिएगा। आप देख कर समझ सकते हैं ये दोस्तों हाथी जैसे विशाल पशुओं को भी नहीं डरता है ये। दोस्तों इसके अंदर एक क्वालिटी ये होती है, इसके सामने इसका जो दुश्मन है अगर वो रेंगता है तो ये भी दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हम यहीं पर रिलीज कर देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में बेजवानों को बचाते बचाते। और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और बाय। दोस्तों पता नहीं कब ज़िंदगी की आखिरी शाम हो जाए और ऐसे में आप लोगों को अलविदा कहना पड़े, तो मैं चाहता हूं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।